बेहाली खद्दर में नहीं हो रहा है विकास, कीचड़ व गंदगी में निकलने को है लोग मजबूर। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में दिन रात एक करे हुए है, वहीं ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार द्वारा पंचायतों को मिलने वाली धनराशि हड़प करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत सिहाली खद्दर का देखने को मिला है। यहाँ की सड़कें आज भी गंदगी व कीचड़ से भरी देखने को मिल सकती हैं, जिसकी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। इन तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के रहने वाले लोग अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। सरकार ने इस 5 वर्षों में पंचायतों में काफी धनराशि मुहैया कराई है। इस गांव के रास्तों को देखकर ऐसा लगता है कि लंबे समय से इस गांव में विकास हुआ ही नहीं है। नालियां ना बनने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी बीच सड़कों पर बहता है, जिससे गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान। रिजवान जी कहाँ के निवासी हो? सिहाली खद्दर। परेशानी क्या है? परेशानी क्या, रास्ते में नाली टूटती है, गारा होता है। अच्छा, कोई आदमी यहाँ मतलब नाली सफा कराने नहीं आता, रास्ता बनवाने नहीं आता, सफाई कर भी नहीं आता यहाँ। अच्छा, कभी रास्तों को लेकर आपने शिकायत करी ग्राम प्रधान से? कई बार कही है कि नाली साफ करा दो, ये रास्ता बनवा दो, तो करा देंगे बस। अच्छा, मतलब नाली की सफाई भी अपने हाथ से करनी पड़ती है। अच्छा, सफाई कर भी नहीं आता यहाँ? पांच सफाई कर्मी होने के बावजूद भी अभी पूरे 5 साल में कोई भी यहाँ पे सफाई करने के लिए नहीं आया। आप देख सकते हैं आगे, कम से कम 50 बार हम लोग जा चुके हैं कि एक सफाई कर्मी जो है तो अपने हाथ से ही करनी पड़ती है। मतलब अब हम जिस हिसाब से करते हिसाब से हो जाती है। बाकी ग्राम प्रधान ने अभी एक बार भी सफाई कर्मी नहीं भेजा। 5 सफाई कर्मी है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है और आगे भी सारी नाली बंद हुई पड़ी है। इसी वजह से रास्ते जाम है, खराब है, सब में गारा हो रहा है। क्या नाम आपका? इंतजार हुसैन। कहाँ के रहने वाले हो? सिहाली खद्दर। परेशानी क्या है साहब? रास्ते की परेशानी है, रास्ते घर का पानी नहीं निकल लिया। ये साहब ये रास्ता तुम देख रहे हो, ऐसे कैसे सांप वूप ये कीड़े मकोड़े खूब आते हैं। ग्राम प्रधान ने कभी शिकायत करी? जी करी। क्या बोले? ये कहते हैं कर देंगे, 5-6 बार शिकायत कर दी। अच्छा, जब पानी की निकासी कहाँ हुई इसकी? जी कहीं को भी नहीं, नाली का प्रबंध नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपके घर का पानी? घर का पानी भी घर ही है, ऐसे ही साहब घर का पानी खट्टा हुआ नल का, फिर गड्ढे में कर फिर फेंक देते हैं इधर। एक तरफ तो सरकार स्वस्थ भारत मिशन अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह स्वस्थ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीण अहमदुल्ला खान, इंतजार हुसैन, वाजिद हुसैन, रिजवान, मोहम्मद यूनुस ने बताया कि हम कई बार ग्राम प्रधान से इन रास्तों को लेकर बात कर चुके हैं, इन रास्तों के बारे में कह चुके हैं। ग्राम प्रधान पति ये कहकर टाल देते हैं कि अभी बजट नहीं आया और यदि बजट आया तो मैं पहले उन रास्तों में काम करवाऊंगा जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ब्लॉक के किसी भी कर्मचारी ने गांव को आकर देखने तक की कोशिश नहीं की। आखिर ये ग्रामवासी अपनी फरियाद किससे सुनाएं? अब देखना ये है कि इस गांव के रास्ते बनते हैं या यूं ही ग्रामवासी गंदी व कीचड़ से निकलते रहेंगे। जी क्या नाम है आप लोग आपका? मेरा नाम अहमदुल्ला। कहाँ के निवासी हो? सिहाली खद्दर। अच्छा, ये रास्तों को लेकर क्या करना चाहोगे इसमें? ये रास्ता जो है यहाँ से एक स्कूल है मदरसा दारुल मकबूल दारुल, जी जी, यहाँ पर निकलता है जी, इसके बारे में कोई कराते नहीं, सोचते नहीं। अच्छा, ऐसे कई रास्ते इस मोहल्ले में देखे गए ताकि तमाम कीचड़ निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसमें क्या करना चाहोगे कुछ? इधर को सर कोई कराने तैयार ही नहीं आता। अच्छा, ग्राम प्रधान से कहा आपने, आप लोगों ने शिकायत करी इसकी? तो क्या बोलते हैं ग्राम प्रधान? कराएंगे कराएंगे, 5 साल हो गए। अच्छा, कुछ विकास कार्य कितना हुआ है लगभग में? कुछ हुआ है कुछ सड़क है? इधर तो हुआ नहीं है। अच्छा, पूरा अपनी साइड में हुआ है, इस क्षेत्र में तो हुआ नहीं, उधर ही हुआ पूरा साइड, ये जो है पूरा निकल गया रोड। अच्छा, क्या नाम है आपका? वाजिद हुसैन। जी कहाँ के निवासी हो? सिहाली खद्दर। जी हाँ, क्या दिक्कत क्या है बताओ? दिक्कत सर ये है, जो रास्ता है बिल्कुल पानी में, गारे में निकल रहा है इधर को। अच्छा, शिकायत करी प्रधान जी साहब ने, रास्ते वास्ते बनवाने को नहीं कहा आपने? हाँ, तो क्या बोले? कई बार कहा, वो कहते हैं कि भाई अभी अब हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट आएगा तो हम करवा देंगे। अच्छा, और फिलहाल तो अपने लोगों में करवाएंगे हम, जिन लोगों ने हमें वोट दिए। अच्छा, ये कहते हैं जिन लोगों ने वोट दिए वहाँ काम करेंगे? नहीं, गाँव तो सब पूरा आपका ही, मतलब आप प्रधान हो गाँव के। कितनी बार शिकायत कर चुके हो आप? 3-4 बार शिकायत कर चुके हैं।
क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। कहाँ के निवासी हो? चाली खतर। परेशानी क्या बताओ? परेशानी आपने देखी है, गारे की परेशानी। कभी इस रास्ते को लेकर के शिकायत की ग्राम प्रधान से? मैंने 6 बार शिकायत कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोलता है कि मैंने जिसने वोट दिया वही इसके रास्ते कराऊ। जिसने वोट दिया उसे रास्ते कराना? हाँ, उसी ग्राम। कितनी बार बोला उन्होंने? 6 बार बोला है, 6 बार ये जवाब दिया। मतलब आप 6 बार ग्राम प्रधान के पास गए? हाँ, ग्राम प्रधान।